मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं बालिकाओं को किया गया जागरूक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मोर के निर्देशानुसार महिला बीट पुलिस अधिकारी शक्ति मोबाइल नारी सुरक्षा दल द्वारा थाना क्षेत्र गाँव भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाकर चौपाल लगाकर मिशन शक्ति अभियान के बारे में महिलाओं बालिकाओं को जानकारी देते हुए सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता के लिए बनाए गए कानून एवं नियमों के संबंध में बताते हुए जागरूक किया गया। साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस व हेल्पलाइन नंबर वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चिकित्सीय सहायता हेतु 108, पुलिस कंट्रोल नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 आदि के बारे में जानकारी दी गई। महिला बीट पुलिस अधिकारियों व शक्ति मोबाइल द्वारा निरंतर गांव में जाकर चौपाल लगाकर महिलाओं बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। शक्ति मोबाइल द्वारा थाना क्षेत्र एकौना अंतर्गत कस्बा एकौना, कैलाशपुर, सीताद्वार, भीड़ भाड़ वाले स्थानों, धर्म स्थलों आदि में महिलाओं आरक्षी संज्ञा भारती अर्जिता यादव सोनी द्वारा महिलाओं बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090 व उनके अधिकार के लिए बनाए गए कानून व नियमों, साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी गई तथा पंपलेट का वितरण किया गया तथा नारी सुरक्षा दल थाना सिरसिया द्वारा आदर्श इंटर कॉलेज सिरसिया पंडित ब्रह्मदत्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरसिया तथा नारी सुरक्षा दल थाना कोतवाली भिनगा द्वारा श्रावस्ती इंटर कॉलेज भिनगा पहुंचकर छात्र छात्राओं को वीमेन पावर लाइन 1090 व उनके अधिकार के लिए बनाए गए कानून व नियमों, साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी गई। सभी थानों की नारी सुरक्षा दल ने ग्रामों में भ्रमण कर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। बताओगे कि इस नंबर से फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, तो उल्टा दा बोलने हमको परेशान कर रहे हैं, तो आपसे महिला ही बात करेगी। जिस नंबर से आपको फोन आ रहे हैं मैसेज, वो नंबर मांगेंगी, आप दे दोगे तो खुद मना करेंगे, नहीं मानता उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फोन आ रहा है कि नहीं आ रहा, लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, आप लोग मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी रास्ते में कोई पीछा कर रहा, छेड़खानी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा, तब भी अगर फोन लिए तो नंबर कॉल करेंगे, बताएंगे कि हम इस जगह पे हैं। यहाँ महिला ही आपसे बात करेगी, जिस नंबर से फोन आ रहे हैं मैसेज आ रहे हैं वो नंबर मांगेंगे, आप वो नंबर दे दोगे तो खुद मना करेंगे, नहीं मांगता है तो खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप लोगों से।